हेलो एवरीवन, मैं संजुनी, संजुनी नेचुरोपैथी के हेल्थ गाइड में आपका स्वागत है। नया टॉपिक लेके फिर से आपके साथ आई हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे इस चैनल से बॉडी, माइंड और सोल को हेल्दी रखने की टिप्स मिलती रहेंगी। कलर्स, रंग। अपना जीवन रंगीन करने के लिए रंगों का होना ज़रूरी है। मान लो सब काला और सफ़ेद होता तो, अगर रंग नहीं होते तो क्या अपना जीवन रसपूर्ण होता? रंगों का क्या महत्व है? क्या सिर्फ मज़ा लेने के लिए, मन को लुभाने के लिए ही रंग है, या इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मन और शरीर पर असर पड़ता है? क्या रंग और बीमारी का कोई संबंध है? इनका उपयोग करके हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? आइए ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी दुनिया रंगीन है, हर चीज का अलग अलग रंग रहता है। लाल गुलाब, हरी पत्तियां, नीला आसमान, ऐसे बहुत सारे रंग हम देखते हैं। आँखों ने देख लिया और हमने रंग बताया, क्या इतना आसान है रंग देखना, या इसके पीछे कोई प्रोसेस है? चलिए देखते हैं। लाइट का एक रे कुछ वेवलेंथ से बना रहता है। विजिबल स्पेक्ट्रम में इंद्रधनुषी रंग रहते हैं, जो एक किरण में रहते हैं। अगर ये रे काले रंग पर पड़ती है तो सभी रंगों की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होते हैं और रंगों की गैर मौजूदगी काला रंग बताती है। वही अगर सफ़ेद रंग पर पड़े तो सभी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और एक साथ होके सफ़ेद रंग दिखाते हैं। मानो अगर लाल रंग पर पड़ी तो लाल रंग की वेवलेंथ सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाकी के एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमें सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आइसक्रीम का एक कोन देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? आइसक्रीम कोन पे गिर के लाइट रेज आँखों की लेंस से होके रेटिना पर गिर जाएगी। रेटिना में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें कोन्स कहते हैं। ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब लाइट रे जब इस कोन पे पड़ते हैं तो इन्वर्टेड इमेज बनता है और एक सिग्नल बन जाता है। ये सिग्नल ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स पे जाके गिरता है और यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और एंड में हमें रंग बताया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव के शरीर के चारों ओर एक प्रभामंडल होता है। यह शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया तथा शरीर के चुंबकीय क्षेत्र से बना रहता है। हर एक रंग की वेवलेंथ कंपन स्वरूप में इस प्रभामंडल तक आ पहुंचती है। इसके और शरीर के मंडल के कंपनों का टकराव हो जाता है और फिर ये शरीर में प्रवेश करती है। यही वजह है कि रंगों का शरीर पर असर पड़ता है। इसी की वजह से हर व्यक्ति रंगों के प्रति अलग अलग व्यवहार करता है। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को हरा। हर एक के पसंदीदा रंग के अनुसार हम उसके मानसिक स्तर तथा शारीरिक पीड़ा को समझ सकते हैं। उसी प्रकार इन्हीं चीज़ों को सही रखने के लिए या सही लेवल पे लाने के लिए भी रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी जगह जाने के बाद वहाँ के रंग हमें या तो उत्साहित करते हैं या डिप्रेस कर देते हैं। यह प्रभाव मंडल पर कंपनों की जो छेड़छाड़ होती है ना, उसकी वजह से होता है। शरीर के हर एक इंद्रिय को अलग अलग रंगों के साथ जोड़ा गया है। उस रंग का प्रभाव कम या ज़्यादा करके उस इंद्रिय को डिसीज फ्री किया जा सकता है। पूरी दुनिया में आज क्रोमोथेरेपी या कलर हीलिंग एक अल्टरनेटिव और सपोर्टिव ट्रीटमेंट माना गया है।
इस वीडियो में हमने देखा कि हम कोई भी चीज़ कैसे देख सकते हैं, कलर्स अपने बॉडी तक कैसे पहुंचते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से रोग पर कौन सा रंग इफ़ेक्टिव होता है, रंगों का उपयोग हम एक सप्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में कैसे कर सकते हैं, क्रोमोथेरेपी या कलर हीलिंग क्या है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।